हेलो दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है डॉक्टर ली इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा होम ऑटोमेशन कैसे बनाते हैं। ये देखिए, मैं इसके ऊपर काम शुरू कर दिया था पर कैमरा ऑन करना ही भूल गया था। तो चलिए मैं बनाना बताता हूँ आपको कैसे बनाना है। ये देखिए, मेरे पास ESP32 था, इसको हम इसके ऊपर सोल्डर कर देंगे। इसको डायरेक्ट सोल्डर नहीं करना है, पर बज स्ट्रिप जो आती है कनेक्टर, दोनों तरफ से लगा के सोल्डर करेंगे, जिससे हमारे ESP बोर्ड को हम निकाल के प्रोग्राम कर सकते हैं। देखिए मैंने कितना चीज़ सोल्डरिंग कर दिया है, आपको भी ऐसे आती होगी तो कर सकते हैं। देखिए हम ऐसे ऐसे निकाल सकते हैं और प्रोग्राम कर सकते हैं कंप्यूटर से, इसलिए मैंने इसको रिमूवेबल रखा है। देखिए कितना अच्छा लगता है, ये भी हम ऐसे ऐसे लगा सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं, बताता हूँ मैं आपको आगे क्या करना है। देखिए हमारे पास 4 रिलेज हैं और बाकी 3 पिन टर्मिनल्स हैं, और ये 2 पिन टर्मिनल है जो इनपुट के लिए होगा, और ये बाकी जो आउटपुट के लिए रिले और 3 पिन टर्मिनल। तो मैंने रिले के जो सब पिन से उनको थोड़ा बाहर की ओर मोड़ दिया है, जिससे PCB के अंदर अच्छे से बैठ जाएंगे। अगर आप इसे ऐसे नहीं करोगे तो ये बैठने वाले नहीं है। देख सकते हैं मैंने सभी रिलेज के ऐसे पिन आउटवर्ड्स में थोड़ा बेंड कर दिया है, जिससे ये आसानी से बढ़ जाएंगे। देखिए मैं एक रिले बिठा दिया हूँ। और ये आपको और एक चीज़ बतानी थी कि होल देख रहे हैं आप, जो मैंने हैंडल से किया है, ये जो सेंटर वाला होल है ये कॉमन पिन के लिए, ये नॉर्मली PCB में नहीं आता, तो हमें इसे करना पड़ता है हाथ से ही। देखिए मैंने मेजरमेंट लेके कर रहा था, आपको भी ऐसे करना है। चलो मैं आपको बिठा कर दिखा देता हूँ। ये देखिए सेंटर वाली पिन बैठ गई बराबर से। ऐसे ही हमें सब रिले बिठा देने हैं और सोल्डर कर देना है। देखिए मैं आपको एक रिले पहले सोल्डर करके दिखा देता हूँ। देखिए आपका ये सोल्डर कर देना, कॉमन वाली पिन को थोड़ा ज़्यादा सोल्डर करेंगे क्योंकि उस पर लोड ज़्यादा होता है, क्योंकि वो मेन पॉइंट है। और बाकी देखिए मैंने सबको कर दिया है। तो चलिए अब आपको आगे के स्टेप पे लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ कैसे बनाना है। ये देखिए 3 पिन टर्मिनल लगा दिया है मैंने रिले के एकदम आउटपुट के साइड में। अब इसको क्लोज में बताता हूँ तुम्हारे को कैसे सोल्डर करना है। तो देखिए अभी सोल्डर करना है हमें, तो ये देखिए जो 1 और 2 नंबर की पिन है उसको हम 1 और 2 पे पिन कर देंगे, जो सेंटर वाला है उसे हम कॉमन पे कर देंगे कनेक्ट। देखिए बिना वायर के हमने इसे डायरेक्ट सोल्डरिंग से कनेक्ट कर दिया है। ऐसे ही हम सब रिले को कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे दिखने वाला है ये। देखिए सब रिले को कनेक्ट कर दिया है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आपको भी ऐसा करना है क्योंकि इससे शॉर्टेज का कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा अगर वायर ख़राब हो गया अभी तो। ये देखिए मेरे पास सर्किट डायग्राम है, जो देखिए ऐसे मैं यूट्यूब चैनल से लिया था। मैंने क्रेडिट उनको ही देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने ये सब प्रोग्राम और रेडी किया है, मैं बस इसे बना रहा हूँ मेरे लिए ही। और चला बनाते हैं तो फिर बता दीजिए आपको कैसे बनाना है। ये देखिए मैंने पूरी वायरिंग कर ली है, आपको भी ध्यान से वायरिंग करनी है, कोई टाइम आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आराम से करना है, कुछ अवगर तो नहीं है इसमें। देखिए अब मैंने इसको इसमें फिक्स करना है बोर्ड के अंदर, तो मैंने ये देखिए राउंड शेप कट किया था साइड से, तो इसमें बैठ जाएगा। और ये जो होल्स है दो, इसको इस पे प्लेस करना है। देखिए कितना अच्छे से बैठ रहा है इसके ऊपर। तो चलिए अब मैं आपको आगे का दिखाता हूँ। ये देखिए ये इसका आउटपुट पार्ट है, ये जो मेन स्विच है इसे पूरा सप्लाई बंद हो जाएगा, जिससे ESP32 भी बंद हो जाएगा और आउटपुट भी बंद हो जाएगा। तो हम ये ऑन रखना है जब हम यूज़ करना होगा तो, और बंद रखना है जब यूज़ नहीं करना होगा। ये देखिए ये कुछ इस तरह से दिख जाएगा, और ये बाद में हम इसे पैक कर देंगे, जो होल से इसे हम पैक कर देंगे। तो अब मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने सिर्फ फ़ोटो ही ले लिया इसके, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि टाइम लग रहा था इसे बनाने में। तो ये देखिए मैंने इसे ऐसे फिक्स कर दिया। अब मैं वीडियो बता रहा हूँ कि कैसे काम करने वाला है। तो यहाँ पर और एक प्रॉब्लम था, राउटर का इंटरनेट बैलेंस ख़त्म हो गया था, तो मैं सिर्फ ब्लूटूथ से ही बता रहा हूँ आपको, ये दोनों से चलता है ब्लूटूथ और इंटरनेट से। ये देखिए ब्लूटूथ से चला कर दिखा रहा हूँ, मैंने स्विच ऑन किया तो ऑन हो गया फ़ैन,
देखिए, अभी ऑन करूँगा फिर से वापस। देखिए ऑन हो गया वापस से। चलिए अब आपको मैं टीवी स्विच ऑफ करके बताता हूँ। ये मैंने फ़ैन ऑफ किया, अभी स्विच ऑफ करूँगा टीवी को। ये देखिए टीवी स्विच ऑफ हो गई है, वापस से ऑन करूँगा। अब आप कहेंगे ये ऑन ही नहीं हुई, पर ये टीवी टाइम लेती है चालू होने के लिए, इसलिए आपको ऐसा लगेगा। देखिए मैं आपको बता दूँ क्लोज से। ये देखिए चालू हो गई है, देखिए चालू हो गई है। ये अच्छे से काम करता है वो, तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। इसकी लिस्ट नीचे दे दूंगा आपको, क्या क्या लगने वाला है और कितने प्राइस है सबकी। ये देखिए मैं फिर से आपको टेस्टिंग करके बताता हूँ फ़ैन कैसे ऑन हो रहा है। ये देखिए फ़ैन ऑन हो गया, तो चार जिले का आउटपुट है ये।